आपने बना टेबल बनाना है बट कंटीन्यूस क्लासेस हो आपके पास ऑफ़ अ नंबर ऑफ़ एबसेंटीज़ इन आ क्लास फॉर एटीन डेज अब नंबर ऑफ़ एबसेंटीज़ हैं आपके पास एटीन डेज की तो आपने यहाँ पर कंटीन्यूस क्लासेस बनानी है ठीक है तो अब आपके पास एटीन डेज़ की ये मौजूद है यहाँ पर पूरा का पूरा टेबल मतलब आपके पास मौजूद है वैल्यूज़ के पी पहले दिन आपके पास फोर स्टूडेंट एबसेंट थे सेकेंड डे तीन तो इस तरह से आपने जो है वो फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है कंटिनूअस क्लासेस के साथ तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस क्लासेस के साथ बनाना होता है तो तमाम चीज़ें आपको पहले फ़ाइंड आउट करनी होती हैं यानी आपने क्लास की जो है ना विथ फाइंड आउट करनी होती है हाइट फाइंड आउट करनी होती है इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें तो वो हम स्टार्ट करते हैं फ़ाइंड करते हैं और आपको मैं बताती हूँ क्वेश्चन इस तरह का जब आपके पास कंटिन्यूस क्लासेस का आ जाए तो आपने किस तरह से सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं देखें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जरूरत होती है रेंज की ठीक है सबसे पहले रेंज हम फाइंड आउट करते हैं ठीक है अब रेंज हमारे पास कहाँ तक जाएगी तो सबसे पहले आपने अपने डेटा को यहाँ पर देखना होता है कि आपके डेटा स्टार्ट कहाँ से है यानी आपके डेटा की मिनिमम वैल्यू क्या है और आपके डेटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो एटीन डेज में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन में आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो मिनिमम जो है वो आपके पास है जीरो और मैक्सिमम अगर हम देखें तो फिफ्टीन ठीक है तो यहां से सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर एन इज इक्वल्स टू एटीन एंड डेटा आर डिस्क्रीट डेटा आपके पास डिस्क्रीट मौजूद है विथ अब आपके पास यहां पर कोई भी जो है ना डेसिमल मौजूद नहीं है तो एम जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा ठीक है अभी एम आपके पास इसकी इतनी जरूरत नहीं है बट आप एम फिर भी मेंशन कर देंगे स्टार्टिंग में ही अब सबसे पहले आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे रेंज रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम है आपके पास फिफ्टीन और मिनिमम है आपके पास जीरो तो रेंज आ गई आपके पास फिफ्टीन रेंज फाइंड आउट करने के बाद आप जो है वो यूज करते हैं स्ट्रजीज लॉ ठीक है अब आपके पास स्ट्रजीज रूल होता है विल गेट के यूजिंग स्ट्रजीज रूल फॉर फाइंडिंग क्या फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी इस डेटा के लिए हम कितनी क्लासेस जो है वो बनाएंगे तो फॉर्मूला होता है आपके पास के इज इक्वल्स टू वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री टू टू लॉग एन अब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है देखिए वन प्लस तो एज इट इज़ रहा फिलहाल थ्री पॉइंट थ्री टू टू भी एज इट इज़ रहा लॉग एन एन की जगह आपने पुट करना है एटीन क्योंकि एन क्या है आपके पास एटीन है सिंपलीफाई करेंगे तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है लॉग एटीन जो कि आपके पास आ गया वन पॉइंट टू टू फाइव टू वन पॉइंट टू फाइव फाइव टू अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री पॉइंट थ्री टू टू से और इसमें ऐड कर देंगे वन को तो आपके पास हो गया फाइव पॉइंट वन सेवन जीरो और अप्रोक्सीमेट करके आपके पास आ गया फाइव तो क्लासेस आ गई आपके पास फाइव तो क्लास class, क्लासेस आपके पास होंगी अप्रॉक्सीमेटली फाइव नाउ अब आपने हाइट फाइंड आउट करनी है तो एच इज इक्वल टू एच का फॉर्मूला होता है आपके पास अपॉन टेन के एक्सपोनेंट एम आर अपॉन के बाय टेन के एक्सपोनेंट एम आर रेंज है के स्ट्रेजीज रूल के हिसाब से जो हमने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट की थी वो है एम आपके पास होता है डेसिमल वैल्यू तो कोई भी डेसिमल वैल्यू मौजूद नहीं है अब तो वन डेसिमल होती है अब तो टू डेसिमल होती है तो हम यहाँ पर वन टू लेते ठीक है कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल की तो आपके पास यहाँ पर टेन की जो एक्सपोनेंट एम है जो एम है वो ज़ीरो होगा आर है आपके पास रेंज फिफ्टीन के आपके पास आया है फाइव अच्छा एम जो है वो है ज़ीरो तो वन टेन के एक्सपोनेंट ज़ीरो जो है वो वन के बराबर होगी तो ये सिंपल वन है फाइव वन दाइव फाइव थ्री दिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई थ्री और ये भी आपके पास टेन के एक्सपोनेंट जीरो वन के इक्वल आ गया तो हाइट आपके पास आ गई यहाँ से थ्री ठीक है हाइट भी आपको मिल गई अब हाइट के बाद आप मालूम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन आपके पास दो क्लासेस के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा तो डी फाइंड आउट करेंगे डी इज़ इक्ल्स टू डी का फॉर्मूला वन पॉइंट टेन के एक्सपोनेंट एम ही होता है सिंपल तो वन पॉइंट टेन के एक्सपोनेंट जीरो तो ये वन के एक आ गई तो डी आपके पास यहाँ से आ गया वन अब सबसे पहले आपने पहली लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है तो लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास आएगी ज़ीरो क्योंकि आपकी सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है ज़ीरो तो एल सी एल आप यहाँ पर लिखेंगे के एल सी एल इज इक्वल्स टू जीरो और इसी का यू सी एल फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा आपके पास फॉर्मूला होता है कि एल सी एल प्लस एच माइनस डी अब एल सी एल है आपके पास जीरो एच है आपके पास थ्री एच हमारे पास थ्री आया है और डी आया है वन तो ये जाएगा थ्री माइनस वन टू तो यू सी एल आपके पास आ गया है यहाँ से टू क्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब अगर हम देखें टू के अकॉर्डिंग करें तो पहली क्लास बाउंड्री अब जो इंटरवल होगी वो गी जीरो और फिर देन अपर क्लास बाउंड्री होगी टू देन फिर दूसरी क्लास और पहली क्लास के जो फासला होगा वो वोगा वन का तो टू तो के बाद ये थ्री से स्टार्ट होगी थ्री में आपने फिर ऐड करना है एच को तो देखें थ्री प्लस एच है आपके पास थ्री माइनस डी आपके पास वन तो ये आ जाएगी फाइव ठीक है फिर अगली क्लास होगी आपके पास सिक्स से शुरू ठीक है तो सिक्स से शुरू होके मैं ऐड करेंगे आप थ्री को और माइनस करेंगे वन को ये आ गई एट ठीक है इसी तरह से नाइन नाइन के बाद आपके पास ये जो क्लास यहाँ पर बन रहे हैं इसमें आपके पास हमें अंदाज़ा हो जाएगा देखिए मैं आपको हल्के बना के बताती हूँ जीरो से स्टार्ट है देन टू हो रहा है थ्री से स्टार्ट है फाइव हो रहा है सिक्स से स्टार्ट हो रहा है तो एट पे जा रहा था फिर नाइन से स्टार्ट हो तो नाइन प्लस थ्री माइनस वन या आ गया अलेवन अलेवन से स्टार्ट ट्वेल्थ uh, से स्टार्ट करें तो प्लस थ्री माइनस वन या आ गया ट्वेल्व और फोर्टीन इनके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है फिफ्टीन देन आपके पास वही एल सी एल प्लस एच माइनस डी करें तो आपके पास ये आ गया सेवनटी ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इसकी मदद से हमने ड्रॉ कर ली अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने किस तरह से किया तो हमें यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया अब भी हमारे पास वन आ रहा था तो वन के हेल्प से यानी कि हम बीच का एक नंबर ने लिखेंगे तो जीरो वन ने लिखा हमने टू थ्री लिखा देन फिर फोर ने लिखा फाइव इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं या फिर आप सिंपल ये फार्मूला आपके पास गिवन है फर्स्ट आपने पता कर लेना है ठीक है तो बाकी तरह आप जो है वो आपको ये भी पता चल गया कि आपके पास यहाँ से एल सी एल और यू सी एल के दरमियान सिर्फ एक नंबर नहीं आ रहा तो ये भी डी भी आपको मिल गया यानी कि डी बराबर है आपके पास इक्वल वन के तो एक नंबर आप स्पेस कर सकते हैं जो है वो नेक्स्ट नंबर पे जा सकते हैं तो इस तरह से हमने बना ली यहाँ पे सिंपल क्लास इंटरवल्स तो सबसे पहले आपने बनानी थी क्लास इंटरवल्स और वो मैंने बना ली ठीक है अब आपको समझ भी आ गई तो मैं इसको राइट कर देती हूँ ज़ीरो से टू थ्री से फाइव सिक्स टू एट नाइन टू अलेवन ट्वेल्व टू फोर्टीन एंड देन फिफ्टीन टू सेवेंटीन ये आपके पास आ गई यहाँ से क्लास इंटरवल्स अब यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपके पास जिनो सबसे लास्ट में टोटल अब आपने लिखने हैं देन टेली मार्क्स ठीक है अब आपके पास मार्क्स And then frequency. अब टेले आपके पास क्या है तो टेली आप देखेंगे या जीरो और टू के दरमियान आपके पास कितनी वैल्यूज लाए कर रही हैं तो यहाँ से आपने क्या करना है अपने डेटा पे जाना है वापस और डेटा में देखना है जीरो और टू के दरमियान कितनी वैल्यूज है तो देखें जीरो वन टू थ्री आ गई ठीक है और इसके अलावा सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी हैं तो थ्री वैल्यूज़ आपके पास क्या कर रही हैं इनके दरमियान जीरो और टू के दरमियान लाई कर रही हैं तो थ्री टेली मार्क्स वन टू थ्री तो फ्रीक्वेंसी आ गई थ्री इसी तो तरह से थ्री और फाइव के दरमियान थ्री और फाइव भी शामिल है और थ्री और फाइव के दरमियान भी तो आपके पास वन टू थ्री थ्री वैल्यूज़ हैं आपके पास थ्री और फाइव के दरमियान ठीक तो, है यहाँ पर आपके पास है वन टू थ्री फिर बाकी बड़ी वैल्यूज हैं आपके पास बल्कि नहीं थ्री और फोर अगेन है आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव वैल्यूज आ रही हैं वन टू थ्री फोर फाइव अब इसके पास सिक्स टू एट देखना है तो आपने यहाँ पे देखें मैं तो कुछ भी नहीं है सिक्स वन टू थ्री कि आपके पास थ्री ही आ रही है फ्रीक्वेंसी थ्री टाइल मार्क्स लगा दिया और फ्रीक्वेंसी थ्री लिख दी नाइन टू अलेवन चेक करें तो आपके पास वन टू सिंपल आपके पास नाइन टू अलेवन है टू अब ट्वेल्थ टू फोर्टीन चेक करें ट्वेल्व टू फोर्टीन है वन टू थ्री फोर ठीक है आपके पास आ रही है फोर वन टू थ्री फोर अब फिफ्टीन टू सेवनटीन चेक करें तो वन ही वैल्यू है जो फिफ्टीन और सेवनटीन के दरमियान आ रही है ठीक है अब काउंट कर लें फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन 18 आपके पास एन आपके पास यहां से आ गया सिंपल एन इज इक्वल्स टू एटीन अब आपके पास कंटिन्यूस क्लासेस से कंटिन्यूस क्लासेस बनाने से आपके पास क्या आपको फ़ायदा हुआ कि आपने बहुत ही बड़े से टेबल को बहुत ही स्मॉल कर लिया किसकी हेल्प से क्लास इंटरवल्स की हेल्प से तो ये जो आपको मिला है स्ट्रेजीज लॉ हाइट मिली है यहां पर आपको जो है वो रेंज फाइंड आउट की है आपने ये सारी चीज़ें आपके पास आपको क्या बताती हैं कि आप डेटा को कितना ज़्यादा जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर बहुत ही बड़े डेटा को जो कि हम पीछे क्वेश्चंस में कर कर आ रहे थे कि मैं क्या बना रही थी मैं पूरी जो है ना जितनी भी आपके पास वैल्यूज थी ज़ीरो फिर वन पे टू थ्री ज़ीरो कितनी है कितनी दफ़ा है वन कितनी दफ़ा है टू कितनी दफ़ाएँ इस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे थे लेकिन अब हमने क्लास इंटरवल की हेल्प से इसी टेबल को और ज़्यादा शॉर्ट करके जो है वो तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करके जो है वो इजी कर लिया तो इस तरह से आप तमाम चीजें फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले आपने एन देना है देन फिर रेंज देन फिर स्ट्रेजीज रूल के अकॉर्डिंग आपने के को फाइंड आउट करना है देन फिर आपने हाइट फाइंड आउट करनी है देन फिर आपने यहाँ से डी फाइंड आउट करना है डी आपके पास होता है स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस क्लासेस के दरमियान का स्पेस कितना हो ठीक है तो और इसके बाद आपके पास देन है यहाँ पर के बाद आपके पास LCL और UCL आपने फाइंड आउट करनी है ठीक है अब एल सी एल और यूसीएल आपने जो फाइंड आउट करनी है इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से एक रिविजन दे दूँ क्वेश्चन का कि हमारे पास यहाँ पर बताएगी स्ट्रेजीज रूल बताएगा कि आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस अप्रोसीमेट फाइव आ रही थी मगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ रही है ठीक है क्योंकि हमारा फिफ्टीन शामिल नहीं हो रहा था इस वजह से हमारी क्या आ रही थी ये हमें सिक्स क्लासेस बनानी पड़ी ठीक है अप्रॉक्सीमेट फाइव होनी चाहिए बट हमारे पास सिक्स बन सकती है क्योंकि हमारे पास फिफ्टीन के बाद रेंज जो है वो बता रही है कि लास्ट नंबर फिफ्टीन होना चाहिए ज़ीरो से 15. अगर ऐसा ना भी हो तो आप क्या कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम पीछे तो जा नहीं सकते तो यहाँ से हम आगे बढ़ा सकते हैं ठीक नेक्स्ट uh, आपके पास जो है वो एच आपको बताएगी हाइट हाइट के आपके पास क्या होगी तो विथ की हाइट जो है वो आपके पास आ रही है यहाँ पे थ्री थ्री स्पेसिंग बिटवीन अब स्पेस कितना होना चाहिए आपके पास डी जो है वो है आपके पास यहाँ से वन अब वन क्या है कि एक क्लास और दूसरी क्लास के दरमियान जो फैसला होना चाहिए वो एक का होना चाहिए यानी जीरो से टू है तो टू के बाद फिर एक ना एक यानी थ्री होना चाहिए एक आगे ठीक है सिंपल एक आगे सर एल सी एल और यहाँ से जीरो है क्योंकि लोअर क्लास लिमिट तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है सबसे छोटी वाले जो है ज़ीरो अपर क्लास लिमिट कैसे हम जो है वो ढूंढेंगे तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था एल सी एल प्लस एच माइनस डी इसके मदद से हम फाइंड आउट कर लेते हैं यू सी एल को हर क्लास के लिए आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं यू के आपने जो है वो क्या किया लोअर क्लास बाउंड्री में ऐड किया एच को और माइनस कर लिया डी को आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अल्लाह हाफिन